हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिया हुआ है, इसका हम ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे, राइट। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कुछ रूल होता है। सबसे पहले हम उस रूल के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ओके। और इसका ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ग्राफ इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं इसका रूल क्या है, ओके। देखिए, ये कुछ मेरा रूल दिया हुआ है, राइट। इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए देखिए क्या दिया हुआ है। फर्स्ट फाइंड इट वर्टेक्स, राइट। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, इसका सबसे पहले हम वर्टेक्स निकालेंगे। वर्टेक्स निकालने का ये दिया हुआ है माइनस बी अपॉन टू ए एंड माइनस डी अपॉन फोर ए, ओके। वर्टेक्स निकाला, उसके बाद इसका हम एक्सिस निकालेंगे, राइट। एक्सिस कैसे निकालेंगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए। उसके बाद इसको हम जीरो से कंपेयर करेंगे, राइट। इसको हमने जीरो से कंपेयर किया और इससे हम एक्स का वैल्यू निकालेंगे, ओके। इतना पहले हम प्रोसेस करेंगे, उसके बाद देखिए, यदि a ग्रेटर देन जीरो, यदि ये मेरा a जो है जीरो से बड़ा है, तब इसका ग्राफ जो है ओपन अपवर्ड होगा, ओके। यदि a लेस देन जीरो, मतलब ये जो a वैल्यू a है, इसका वैल्यू यदि जीरो से छोटा है, ओके, तो ये इसका जो ग्राफ होगा वो डाउनवर्ड होगा और वो ओपन होगा, ओके। देखिए, ये जो वर्टेक्स दिया हुआ है, वर्टेक्स क्या है, माइनस बी अपॉन टू ए माइनस डी अपॉन फोर ए, राइट। तो सबसे पहले हम एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, ओके। ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लिया, ओके। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब देखिए, ये जो वर्टेक्स है, ये क्या होगा, एक पॉइंट होगा, ओके। अब इस पॉइंट का लोकेशंस हमें इसमें पता करना है, ये जो पॉइंट है मेरा किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या सेकंड क्वाड्रेंट में है या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में है या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ओके। सपोज दैट ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, ओके। सपोज ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा क्या, माइनस बी अपॉन टू ए और माइनस डी अपॉन फोर ए, राइट। डी यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट है, राइट। डी होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ओके। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यदि सॉल्व किया होगा, रूट्स निकालने का प्रोसेस है, राइट। सपोज ये मेरा जो वर्टेक्स आया, दिस इज द पॉइंट, ये पॉइंट मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ओके। अब देखिए, उसके बाद हमने एक्सिस निकाला, एक्सिस क्या आ रहा है इसमें, माइनस बी अपॉन टू ए। अब देखिए, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का मीनिंग क्या हुआ वो बताते हैं। मतलब इसका जो डिस्टेंस है इस एक्स एक्सिस से, राइट, इस एक्स एक्सिस से माइनस डी अपॉन फोर है, ओके। और इसका जो डिस्टेंस है इस वाई एक्सिस से, ओके, माइनस बी अपॉन टू ए है, ओके। अब देखिए, ये हमने पॉइंट चूज कर लिया। अब देखिए, एक्सिस क्या होगा, माइनस बी अपॉन टू ए, मतलब ये लाइन ही इस ग्राफ के लिए एक्सिस का काम करेगा, ओके। अब देखिए, किसी भी पॉलिनोमियल का, ओके, यदि आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम उसका जो ग्राफ सबसे पहले जो होगा वो एक कर्व टाइप में बनेगा, ओके। तो ये जो बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से जाएगा, ओके, कर्व टाइप में। नाउ ऐसा ही ग्राफ उस साइड बनेगा, ओके। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, राइट। अब यही ग्राफ मेरा वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का बना, ओके। ऐसा तभी करेंगे जब मेरा ए जीरो से बड़ा होगा, ओके। यदि a जीरो से छोटा होता, सपोज a मेरा जीरो से छोटा होता, तो सेम यही ग्राफ नीचे आ जाता, जस्ट लाइक ऐसा बन जाता, ओके, राइट।
अब देखिए इस पे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, ओके, उसके बाद उसका ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, राइट। देखिए ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सी सॉरी सिक्स, ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ये मेरा कुछ रूल दिया हुआ है, इसको हम फॉलो करेंगे और इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, राइट। ये फर्स्ट क्या है, इसका हमें वर्टेक्स निकालना है, राइट। इसका हमें वर्टेक्स निकालना है। वर्टेक्स निकालने के लिए कुछ प्रोसेस है। अब देखिए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, ओके, इसमें ए क्या होगा, मेरा ए वन होगा, राइट। बी क्या होगा, माइनस फाइव होगा, और सी क्या होगा, सिक्स होगा, राइट। अब देखिए वर्टेक्स निकालने के लिए क्या, माइनस बी अपॉन टू ए। वर्टेक्स निकालने के लिए क्या, माइनस बी अपॉन टू ए, राइट। तो माइनस बी, राइट, माइनस बी, बी क्या है इसमें, माइनस फाइव है, माइनस ऑलरेडी पहले से है, तो प्लस फाइव अपॉन टू ए, ए का वैल्यू क्या वन, तो डेट मीन्स फाइव अपॉन टू निकल गया, ओके। और माइनस डी अपॉन फोर ए, माइनस डी अपॉन फोर ए, ओके। अब देखिए डी मेरा डिस्क्रिमिनेंट होता है, राइट, तो डी यहां से हम निकाल सकते हैं, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, राइट। अब देखिए बी स्क्वायर दैट मीन्स माइनस फाइव का स्क्वायर थर्टी फाइव माइनस फोर ए सी फोर वन फोर फोर इंटू सिक्स दैट मीन्स ट्वेंटी फोर, मतलब डी का जो वैल्यू निकलेगा मेरा वो निकलेगा, राइट। और मेरा माइनस डी तो माइनस वन अपॉन फोर फोर इंटू वन दैट मीन्स फोर, ये मेरा माइनस वन अपॉन फोर और माइनस सॉरी फाइव अपॉन टू, इसका वर्टेक्स निकल गया, राइट। वर्टेक्स निकल गया, एक्सिस भी क्या होगा इसमें, एक्सिस मेरा क्या होगा, एक्सिस होगा माइनस बी टू ए, मीन्स ये वाला, तो माइनस बी टू ए हमने क्या निकाले, फाइव अपॉन टू, राइट। नाउ अब देखिए ये जो इक्वेशंस है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसको हम जीरो से कंपेयर करेंगे और हम एक्स का वैल्यू निकाल, ओके। इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, इसको हम फैक्टराइज करेंगे और x का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल जीरो, एक्स कॉमन लेंगे इस दोनों में, तो x माइनस थ्री और माइनस टू कॉमन लेंगे तो x माइनस थ्री, राइट। तो x माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल जीरो, तो यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा थ्री, x का वैल्यू टू निकल गया। अब देखिए a ग्रेटर देन जीरो, राइट, बिल्कुल a मेरा है, दैट मीन्स ये मेरा जीरो से बड़ा है, ओके। तो मतलब ये इसका जो बनेगा वो अपवर्ड बनेगा, राइट। अब कैसा बनेगा वो देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ, राइट। तो ये हमने कोऑर्डिनेट इसका सॉरी कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ किया, ये मेरा एक्स एक्सिस, इसको हमने वाई मान वाई, ओके। अब देखिए फाइव अपॉन टू, ओके, और माइनस वन अपॉन फोर, फाइव अपॉन टू और माइनस वन अपॉन फोर। देखिए ये मेरा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, राइट। देखिए एक प्लस और दूसरा दैट मीन्स एक्स प्लस है और मेरा माइनस, एक्स प्लस किस में होता है, एक्स प्लस और वाई माइनस होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, राइट। तो इसको हमने यहाँ ले लिया, ओके। और इसका जो कोऑर्डिनेट हो गया फाइव अपॉन टू और माइनस वन अपॉन फोर हो गया, ओके। देखिए ये पॉइंट निकल गया, राइट। अब देखिए इसको हमने जीरो से कंपेयर किया है, इसका एक्स का वैल्यू टू आया और थ्री आया, राइट। तो सपोज हमने यहां पे ले लिया टू और इसके आगे ले लिया थ्री, राइट, ये मेरा थ्री है, ओके। अब ये कोऑर्डिनेट वर्टेक्स निकला है और एक्स का वैल्यू यहां पे निकला है, राइट। और ये हमें पता चल गया इसका जो ग्राफ होगा ओपन अप होगा, दैट मीन्स इसका कुछ ऐसा बनेगा,
इधर से जाएगा और ये मेरा टू को कट करेगा, राइट। टू को कट करता हुआ वो नीचे जाएगा और यहां से मेरा ऊपर अपवर्ड चला जाएगा, राइट। तो इसको हम थोड़ा सा थ्री यहां ले लेते हैं, ओके। तो इसका ये जो ग्राफ बनेगा मेरा कुछ ऐसा बनेगा, ओके। इधर से जो आएगा 5/2 जाएगा, वो 2 को पास हो जाएगा, ओके। मतलब एक्स एक्सिस पे जो 2 है इसको कट करता हुआ जाएगा और यहां से जस्ट इसी के फॉर्मेट में उस टाइप का ग्राफ बन जाएगा, राइट। और ये जो मेरा 5/2 है ये एक्स हुआ, राइट, इस ग्राफ के लिए, इस इक्वेशंस के लिए। और यही मेरा y = x²-5x + 6 का ग्राफ निकल गया, ओके। नाउ सिर्फ आपसे पूछा जाएगा तो ग्राफ आपको ड्रॉ करने के लिए तो नहीं बोला जाएगा, उसमें पूछा जाएगा आपसे, कुछ वैल्यू पूछा जाएगा कि बताइए इसका जो ये इक्वेशंस है क्वाड्रेटिक, इसका रेंज क्या होगा, इसका ड्रॉ क्या होगा, राइट। अब देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रेंज और रेंज क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, राइट, ये एक्स है, ये वाई है, ये हमने कुछ ग्राफ मान लिया, राइट। ये मेरा सपोज दैट y = fx का ग्राफ, कुछ होगा नहीं पता है, सपोज दैट y = का ग्राफ है। अब देखिए ये ग्राफ यहां भी पॉइंट होगा और यहां भी पॉइंट होगा, इस पॉइंट को हम x एक्सिस मैच कर देते हैं, राइट, और इसको हमने a दे दिया और इसका नाम हमने b दे दिया। नाउ ये जो इसी पॉइंट को हम y एक्सिस से मैच कर देते हैं, इसका नाम c दे देते हैं, और इसी पॉइंट को नाम y एक्सिस से मैच कर का नाम हम d दे देते हैं। अब देखिए ये ग्राफ इस x एक्सिस के जितने एरिया को करेगा, राइट, उसको हम बोलेंगे डोमेन होगा। यही ग्राफ मेरा y एक्सिस जितने एरिया को कवर करेगा हम बोलेंगे कि वो मेरा y = x का रेंज होगा, ओके। नाउ यहां से हम बोलेंगे ये जो y = x है इस डोमेन होगा x के a से लेके b तक एरिया को कवर कर रहा है, राइट, तो इसका डोमेन होगा a से b, ओके। और यही ग्राफ y एक्स कितने एरिया को कवर कर रहा है, c से लेके d तक एरिया को कवर कर रहा है, मेरा इसका रेंज, राइट, तो इसी ग्राफ का रेंज हो जाएगा c से लेके d तक। नाउ अब देखिए रेंज और डोमेन आपको समझ आ गया, राइट। ये मेरा ग्राफ है y = x - 5x + 6 का। ये ग्राफ इस x एक्सिस को ये ग्राफ इस x एक्सिस के कितने एरिया को कवर है, राइट, देखिए ये इनफिनाइट से आ रहा है, राइट, इनफिनाइट से आ रहा है, सॉरी माइनस, इधर तो मेरा माइनस इंफिनिटी होगा, माइनस इंफिनिटी से आ रहा है, कहीं से आ रहा होगा, मतलब ये इनफिनिट से आ रहा है, और ये जो इनफिनाइट तक जा रहा है, राइट, इसका जो डोमेन हम बोलेंगे वो माइनस इनफिनिट से लेके प्लस इनफिनिटी तक, ओके। अब देखिए यही ग्राफ वाई एक्सिस के कितने एरिया को कवर कर रहा है, देखिए वाई एक्सिस ये पूरा है मेरा, और ये जो मेरा पॉइंट -5/2 और -1/4, ये y एक्सिस, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ x एक्सिस, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ y एक्सिस, ओके। दैट मींस -1/4 से लेके, ओके, -1/4 से लेके इनफिनिट तक जा रहा है, ओके, okay? y एक्सिस के इसी एरिया को -1/4 से लेके इनफिनिट तक के एरिया को कर रहा है ये ग्राफ, राइट, तो इसका गलत हो जाएगा -1/4 से इनफिनाइट, ओके। यही मेरा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रेंज और डोमेन मिल गया, राइट। कोई भी ग्राफ आपको ड्रॉ करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का तो हम इस रूल को फॉलो करेंगे और उसका हम ग्राफ इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आपको
क्वाड्रेटिक ग्राफ ड्रॉ आ गया होगा। ओके, तो वीडियो को लाइक कर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, मिलेंगे वीडियो में किसी नए कुछ टॉपिक के साथ।